आज के भारत इतिहास के रिवीजन में आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के जो विविध पहलू हैं वो देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्राचीन भारत के विविध पहलू। ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था देखी गई वैशाली के अंदर, जो विद्यार्थी शिक्षा केंद्रों से संबद्ध छात्रावासों में निवास करते थे उन्हें अंतेवासी अथवा आचार्य कुलवासी कहा गया। तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। ये प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। पुराण कितने हैं? टोटल 18 हैं और पुराणों का संकलन किया था वेदव्यास जी ने। और सबसे प्राचीन जो पुराण है, प्रमाणिक पुराण है, वो मत्स्य पुराण है। इसी पुराण में हमें सातवाहन वंश की जानकारी भी प्राप्त होती है। इसके बाद में विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। भाई अग्नि पुराण में तांत्रिक पद्धति का उल्लेख है। रामायण को चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता भी कहा जाता है क्योंकि इसमें लगभग 24,000 श्लोक हैं, 7 कांड हैं, ये सबको पता होगा आपको। इसके अंदर गुप्त काल में श्लोकों की संख्या 100,000 होने के कारण महाभारत को क्या कहा गया? सत्सहस्त्री संहिता। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। विनय पिटक बोधरम का पार्ट है ये। विनय पिटक के भाग सुत विभंग, इसके दो पार्ट हैं, महाविभंग और बिकुनी विभंग। महाविभंग में बौद्ध भिक्षु के लिए है और बिकुनी विभंग में बौद्ध भिक्षुओं का उल्लेख है, उनके जो नियम हैं उनका उल्लेख है। अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं, सिद्धांत हैं उसके, और बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। कौन से में? अभिधम्म पिटक के अंदर। मिलिंदपनो, ये आपने नाम सुना है, इसमें यूनान का शासक मिनांडर और एक बौद्ध भिक्षु कौन है? नागसेन, इन दोनों के बीच जो वार्तालाप हुई थी उसका वर्णन मिलता है। दीपवंश सिंहल द्वीप के इतिहास को बताता है, दीपवंश किताब का नाम है ये। और महावंश किताब है, दीपवंश महावंश दोनों ही बौद्ध धर्म किताबें हैं। और महावंश किताब के अंदर मगध के जो राजा हैं उनकी हमें क्रमबद्ध सूची मिलती है। मिदातिथि, भरूचि, कुल्लक भट्ट, गोविंद राज, इन सभी ने मनुस्मृति के ऊपर टीका लिखी है। और विश्वरूप, अपराक, विज्ञानेश्वर, इन्होंने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका लिखी है। वैष्णव धर्म से संबंधित चतुर्व्यूह पूजा का उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। भाई तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, चतुर्व्यूह पूजा किस धर्म से संबंधित है? चतुर्व्यूह पूजा संबंधित है वैष्णव धर्म से। प्रथम सदी ईस्वी के मथुरा के समीप मोरा नामक स्थान से चतुर्व्यूह पूजा का प्रमाण मिला है। लिंग पूजा का जो प्रथम उल्लेख है वो मत्स्य पुराण से मिलता है। पाशुपत शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है। पाशुपत शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है। और पाशुपत की स्थापना करी थी लकुलीश जी महाराज ने। इस संप्रदाय के अनुयायी हैं, उनको पंचार्थिक भी कहते हैं। कापालिक, ये भी शैव संप्रदाय के हैं। कापालिकों का मुख्य केंद्र श्रीशैल, और इसका प्रमाण मिलता है भवभूति के मालती माधव नाटक के अंदर। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिवपुराण में महाव्रतधर कहा गया है। महाव्रतधर कहाँ कहा गया है? शिवपुराण के अंदर। किसको? कालामुख संप्रदाय के लोगों को। कालामुख जो लोग होते हैं उन्हीं की तरह जो कापालिक लोग होते हैं, कापालिकों से भी अत्यधिक प्रकृतिवादी होते हैं ये लोग। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार किया नयनारों ने। शैव धर्म का प्रचार दक्षिण भारत में किसने किया? नयनारों ने किया था। इनकी संख्या 63 थी। इनके जो श्लोकों का संग्रह है उसे तिरुमुरई कहते हैं। तिरुमुरई कहते हैं नयनारों के द्वारा जो इन्होंने प्रचार किया धर्म का, शैव धर्म का, उनके जो श्लोक हैं इनका संग्रह किया गया उसको तिरुमुरई कहा गया। इसका संकलन नाभि आडाम्बर नाभि ने किया, ये नाम है जिन्होंने संकलन किया। तिरुमुरई को पंचम वेद भी कहा जाता है। तिरुमुरई को क्या कहते हैं? पंचम वेद। और नाडी आडम्बर नाम्बि जिन्होंने इसका संकलन किया था इसको तमिल का व्यास कहते हैं। वासुदेव की पूजा का उल्लेख हमें मिलता है पाणिनि के समय, 5वीं शताब्दी में मिलता है। मेगास्थनीज हेराक्लीज की चर्चा करता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति गुड़ी मल्लम क्लिंग रेनगुंटा से मिली है। कौशितिकी व सतपथ ब्राह्मण में भी शिव के 8 रूपों का वर्णन है। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट 5वीं सदी में हुए, वराहमिहिर 6ठी शताब्दी में हुए।
आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के कारण का पता लगाया था, पृथ्वी की परिधि का मान निकाला था। आर्यभट्ट ने बताया था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। मैरोली के लौह स्तंभ पर आज तक जंग नहीं लगा है। प्राचीन काल में इस्पात को वुड्स भी कहा जाता था। कंबोडिया के अंदर एक मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर। दीवारों पर वहाँ पर रामायण और महाभारत की कहानियाँ उभरी हुई मूर्तियाँ मिली हैं। सबसे विशाल बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया के बोरोबुदूर में है। विशाल बौद्ध मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया के बोरोबुदूर में। और 8वीं सदी में निर्मित इस मंदिर पर बुद्ध के 436 चित्र मिले हैं वहाँ पर। हेनसांग जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय पहुँचा था उस समय वहाँ का कुलपति सिलभद्र थे। तो ये प्राचीन भारत के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। इसके बाद में आगे अगली वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, ठीक है।